जी अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे हैं आप? बहुत देर और थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ा हमारे सारे दोस्तों को और आपके दोस्तों को, तो अगर तअख़ीर हुई है तो कोई ना कोई सबब भी बिलाशुबा होगा। और बाकी ये है कि हमारे यहाँ पे इंतज़ार, मेरा ख्याल है कि शेरी रवायत का भी काफ़ी गहरा एक हिस्सा है। बिल्कुल 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 और आज का जो मौजू है उस पर आपने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा था, मेरा ख्याल है उसी से शुरू करना चाहिए कि क्या कहने क्या कहने बहुत तवील मेरी दास्तान गम थी, दास्तान मगर गम थी मगर गजल से काम लिया मुख्तसर बनाने का। मुख्तसर बनाने के लिए। तो इससे ये भी समझ में आता है कि कहीं गजल जो है वो इख्तसार का पहलू भी अपने अंदर रखती है, एक बहुत बड़े मौजूआत को, बहुत बड़ी चीजों को, इंसानी कैफियात को बड़े ही जामे पैराए में परोने का नाम। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी जैसा कि आपने पहले बताया भी। तो गुजारिश ये है कि आपके मजामीन मैंने पढ़े, बल्कि हम सबने पढ़े और उनसे समझने की कोशिश की, उसमें जदीद गजल भी आपके जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन आया, आपने पढ़ा उस पर और आपने उस पर अपनी एक राय भी कायम की किसी। तो गुजारिश ये है कि गजल को आप क्या समझते हैं? ये सिर्फ हमारी एक शायरी की सिंफ का एक हिस्सा है कि क्या एक जिंदगी को देखने का एक अलग से एक पैराया है? बस भाई और इसके साथ साथ बहुत बिल्कुल माजरत, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि हम अपने जो आज हमारा इसका एडवर्टाइजमेंट जिस तरह हमने इसकी की थी, इसमें तीन चीजें थी बुनियादी। बेसिकली तो हमने उन गजल लिखा क्योंकि आपके गजल पे जो मजामीन है वो बहुत समृद्ध है और वो समझने, पढ़ने और सीखने के लायक है। क्या उसके कहने साथ क्या कहने साथ उसमें उर्दू जुबान और उर्दू जुबान के साथ शायरी एक जनरल टर्म के तौर पर, पोइट्री को आप कैसे लेते हैं क्योंकि आप खुद भी शायर हैं और आप बहुत हमारे जो मौजूदा शायर हैं जिनको किसी हद तक मुतनाज़ भी समझा या बनाया गया है, आप उनके मदार हैं जिनमें कौन का नाम सर फहरिस्त है। और इसके साथ तीसरी चीज जो उसमें थी उसको था, हमने कहा था नो मोर। तो नो मोर से मुराद ये है कि इस पे आपसे जब हम बैठे हुए थे तब भी बात हो रही थी और हम इस पे अलग से आपके साथ जरूर एक सेशन भी रखना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स ऑफ जिसमें कोर्स नो वर्ड में बात कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या करें। कॉन्सेप्ट ऑफ एथीज्म जिसको हम इलाहाद कहते हैं, इलाहाद के ऊपर बात की जाए, और जो नो मोर का जो एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप अपनी बायो में भी लिखते हैं फेसबुक की, ये निहिलिज्म, निहिल। तो ये जो निहिलिज्म है या जो निहिलिस्ट है, जो एक ला अदरी का मकाम है इसमें या इलाहाद में, और इन दोनों के माबैन रहते हुए एक जो मुफक्कराना जहन है वो किस तरह अपने नो मोर को कबूल कर सकता है, यानी अपनी कभी ना पाए जाने को, इस पूरे प्रोसेस को जिसे हम प्रोसेस ऑफ डेथ या डाइंग भी कहते हैं, इसको कैसे देखता है? इस पे भी आपकी राय लेंगे। आप जहाँ से क्या चाहते कहने हैं, जैसे चाहते हैं, आप शुरू कीजिए। आपके सामने जो है वो एक सवाल बुफे। है बस भाई। सबसे पहले तो मैं आपके तो फैल जुमला नाजरीन को भी सलाम पहुंचाता हूं, और दूसरा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वलालम इस पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए या आपसे ताज़ियत करना चाहिए कि आपने इतने खूबसूरत सिलसिले का आगाज ही मुझसे किया, तो मतलब मेरे साथ आपने मिला के किया। तो मैं एक चीज की तस्हीह करना चाहूंगा, उस पे आपकी तस्हीह मकसूद नहीं है बल्कि खुद जी अपनी तस्हीह मकसूद। मैं बिल्कुल मैं शायर नहीं हूं, मैं सिर्फ ये है कि शायरी का एक अज खुद एहसासकारी हूं, पर इससे ज्यादा मेरी औकात ही नहीं है। तो मैंने जो कुछ मजामीन जिन्हें आप मजामीन करार दे रहे हैं वो लिखे, तो ऐसा मतलब ये तो आपकी जाहिर जरा नवाजी है कि आप उन मजामीन की रोशनी में गजल की तरफ मुतवज्जे हुए या आपने गजल को चुना, वरना मतलब वो गजल की रोशनी में ही वो मजामीन अहम है। तो ये बातें। तीसरा ये है कि यानी गजल पर बात करने के लिए मुझे बुलाने पर ना मुझे वो वाकया याद आ रहा है जिसका वैसे तो गजल से कोई ताल्लुक ही नहीं, कि पूरे मजमे कुरैश से एक 10 साल का बच्चा उठता है और वो कहता है कि अगरचे मेरा पेट भी बड़ा हुआ है और मेरे पाँव भी छोटे हैं और मुझे आशुर भी चश्म भी है, लेकिन बहरहाल मैं बात कर लेता हूँ। हजरत अली का जो कबूल इस्लाम का वाक्य है, तो ऐसे गजल पर बात करने के लिए इन तमाम आबाब में से
जब आपने मुझे बुलाया तो तकरीबन कुछ उसी जहत के कुछ मिले जुले मसाइल हैं, कुछ कुछ आशोब चश्म भी है, कुछ कुछ बेखाबी भी है, कुछ थोड़ा बहुत खुमार भी है, सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी फिजा में मतलब एक चीज़ जो है वो शुरू हो रही है, अल्लाह ताला इस दीन को भी इस चीज़ को भी कामयाब फरमाए। मतलब इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। तो बस भाई मैं जो आपने जो आपका सवाल है उस पर ये कहना चाहूँगा कि गज़ल जब हम उसको अपने इस उर्दू और उर्दू गज़ल के अतबार से हिंदुस्तानी गज़ल के अतबार से देखते हैं तो उसकी अहमियत इस हद तक ज़्यादा है या उसकी इनफरादियत इस हद तक ज़्यादा है कि वो महज सिर्फ नहीं रहती, बल्कि ये बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि शायद गज़ल, बल्कि यकीनन गज़ल जो है, गज़ल ही हमारी तहजीब है और हमारी तहजीब खुद गज़ल, मतलब गज़ल और हमारी तहजीब के दरमियान समटाइम्स, मतलब हमारी तहजीब ही गज़ल है और गज़ल हमारी तहजीब में ही मुमकिन है। जिन लोगों ने गज़ल की मुखालफत की है काइंड ऑफ उन्होंने भी उसकी इसी दलील पे मुखालफत की है कि हम लोग क्योंकि चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख सकते, हम लोग क्योंकि चीज़ों का साइंसी तजज़िया नहीं कर सकते, उनकी जुज़ियात में उतर के नहीं देख सकते और हम चीज़ों के अंदर कॉन्सिस्टेंसी नहीं देख सकते, चीज़ों के अंदर एक तसलसल और वाहदत नहीं देख सकते, तो इसीलिए हम लोग गज़ल जैसी पुरेसरार और गज़ल जैसी मतलब नीम शौरी नीम नीम इलहामी और वो कलीमुद्दीन के अल्फाज में तो नीम वैशी सिंफ में मतलब हम उसमें फंसे रहते हैं क्योंकि हमारी इस्तेदाद ही नहीं है इससे आगे जाने की। अच्छा फ्रेंकली मतलब अपनी तालिबिल माना राय में मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और अगर हम इसको गज़ल की फैकल्टीज के एतबार से देखें कि क्या गज़ल के पास वो फैकल्टीज़ हैं कि जिस फैकल्टीज़ की मदद से एक डेलिकेट किस्म का एनरिच्ड किस्म का तहजीबी तजुर्बा मुमकिन हो। मतलब जो लोग गज़ल की मुखालफत करते हैं वो तो कहते हैं कि गज़ल में वो इस तरह, तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है। मतलब मेरी ज़ाती राय ये है या गज़ल जिस हद तक वो मैंने पढ़ा, जिस हद तक मैंने उसको महसूस किया तो मतलब मुझे मुझे उसमें कहीं ये कमी महसूस नहीं हुई कि इसमें बतौर सिंफ या इसमें बतौर रवायत कोई ऐसी कमी हो कि ये हमारी ज़िंदगी की, हमारे मज़ाहिर की, हमारी सूरत हाल की और उस सूरत हाल में तब्दीली की उसको एक्सप्लेन ना कर पा रही हो, उसका हक अदा ना कर पा रही, बल्कि अच्छा मैं तो ये समझता हूँ। आप बताइए बस भाई प्लीज। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि वो लोग या वो अशख़ास जो समझते हैं कि गज़ल हमारी जो रवायत की खास नहीं करती तो वो इसके मुतबादल में कोई और चीज़ भी ठहराते हैं गज़ल की जगह पे या महज गज़ल से ही एक दुश्मन है। उसमें एक तो ये है कि जो जो गज़ल के रवायती दुश्मनों में अगर हम एक दो लोग लें उनमें एक तो ये है कि हमारी अपनी तहजीब के अंदर तो गज़ल जो है वो रिफाइंड हालत में आके निकली हुई फाइनल प्रोडक्ट किस्म की चीज़ है। मिसाल के तौर मतलब कसीदा होता था, तवील नज़में होती थी, इस तरह चीज़ें होती, उसके अंदर से इर्तका हुआ, अच्छा, चीज़ें आई और गज़ल फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे सामने। मतलब हमारी अपनी तहजीब में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप गज़ल को रिजेक्ट करें और कहें कि फलान चीज़ जो है वो उसका काम करेगी। नज़्म मैं समझता हूँ कि जो हमारी अपनी नज़्म है हमारी अपनी तहजीब की वो इस हवाले से इसका मुतबादल नहीं है कि खुद उसी के अंदर से तो गज़ल निकली है, मतलब तो तशबीह का हिस्सा है कसीदे का जिससे रुकी ने शुरू किया। अब कलीमुद्दीन अहमद और इस तरह के लोग ये तो इसके मुकाबले में मगरब का ड्रामा लाते हैं, मगरब का थिएटर लाते हैं जिसके अंदर लाइक एक प्लॉट है, एक यूनिफॉर्मिटी है। अब वो चीज़ें जो हैं वो मतलब हमारे यहाँ तो मौजूद नहीं है। मतलब जब आपने गज़ल को रिजेक्ट किया तो फिर आपको रुख करना पड़ा मगरब की तरफ, बल्कि आपने मगरब की तरफ पहले रुख किया तब आपको महसूस हुआ कि यार मैं तो मतलब मेरा तो अपना अपनी रवायत जो थी उसमें जो सिंध थी वो तो इनमें ये चीज़ें थी नहीं। तो गज़ल की मुखालफत करने वालों ने उसके मुकाबले में या ड्रामा पेश किया या थिएटर पेश किया या एक ख़ास किस्म की जो जदीद शायरी थी जिसमें नज़्म का बहुत ज़्यादा था। अब उसमें भी एक दिलचस्प पहलू ये निकला है कि आपने गज़ल के ऊपर एतराज़ ये किया कि वो चीज़ों का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर सकती, नहीं वो मज़ाहिर को उनकी खारजियत में नहीं देख सकती, वो उनके ऊपर कोई कंसिस्टेंट राय जुज़ियात में नहीं जा रही थी और आपने नज़्म मुतारिफ कराई। वो नज़्म जब आगे घुसी तो वो इस किस्म की सिंबोलिज्म में गुम हो गई कि मतलब आपको बहुत लतीफ़ गज़लियात समझ में आ सकती हैं
लेकिन बहुत बेहया और वाशगाव किस्म की नज़में आप सर फाड़ लें, मतलब फोड़ लें, आपको कभी समझ नहीं आएगी कि आखिर इसमें शायर की मुराद क्या है ना। तो मतलब जो हमारी मुतबादल गजल, जी जी मैं सिर्फ इसमें सिर्फ कुछ चीजें समझने के मैं लिए ये मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप मेरी लगामे अपने हाथ में रखिएगा, मतलब जहां भी हो मुझे ब्रेक लगवा दें। मैं थोड़ा सा ना ये इसमें बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, शायद मैं अपने लिए समझने के लिए इसमें कोई एक थोड़ी सी एनोलॉजी पैदा करना चाह रहा था कि जिस तरह हमारे पास एक नेचुरल न्यूटोनियन फिजिक्स चलती रही ना, लेकिन उसी के अंदर से हमारे पास एक क्वांटम फिजिक्स, एक नई फिजिक्स, एक नया स्लूप हमारे हाथ आया। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि नज्म से भी गजल का इरतका इसी तरह एक नए अंदाज में, इसमें कॉन्टिन्यूम है लेकिन उसके अंदर एक डिसकॉन्टिन्यूटी की एक्सेप्टेंस भी है। एग्जैक्टली, लेकिन वो जो नज्म है जिसके अंदर से गजल निकली है वो ये वाली नज्म नहीं है कि जो अभी ये जो अलामती नज्म और ये वाली चीजें निकली है, मतलब वो वाली नज्म भी बहुत प्लेन और बड़ी पाबंद नज्म जिसको हम कहते हैं वो वाली नज्म थी। और मेरा ख्याल है कि गजल के अपने साथ भी इसी तरह हुआ है, ओंटोलॉजिकली स्पीकिंग आपने इस पर लिखा भी बिल्कुल और बहुत खूबसूरत बात थी कि गजल जो है वो तकसीम का जो एक ट्रॉमा है वो गजल के अंदर भी हमें नजर आता है, यानी उस जो गजल एक ओंटोलॉजिकली जो गजल है वो भी वो इर्तका से बनी है लेकिन उसके अंदर भी जो डिसकॉन्टिन्यूटी आती है वो तकसीम के जरिए से जो हमें ट्रॉमास मिले हैं, जो और मसाइल हैं, तो उनका भी इजहार फिर गजल के अंदर होता है और एक गजल और रिफाइन होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और ना सिर्फ ये कि तकसीम का मतलब तकसीम तो जदीद गजल की पैदाइश मतलब जदीद गजल को वो डिस्टिंक्ट कर देती है कि यहाँ से, उससे पहले भी इवन आप बासित भाई देखें आपको मीर की गजल के यहाँ मिलेगा सियासी एक खास उस जमाने का पूरी तस्वीर नजर आ जाएगी। बल्कि मीर की तो मीर ने की मतलब जो गजलियात छह दीवान है उसके उसके अंदर तो बाजोगा तो मतलब आपको लगेगा कि अच्छा एक मजे हमारी हमारे यहाँ जो हमारी हमारी अपनी रवायत में मतलब चीजें इस तरह कंपार्टमेंटलाइज नहीं थी, मतलब अगर मीर बाजोगा बतौर नकाद काम कर रहा है तो वो गजल के शेरों में नकाद तनकीद के नकाद भी पेश कर रहा है, वो बाज़ औक़ात सियासी सूरत हाल भी पेश कर रहा है, मतलब दीदे गिरियां हमारा नहर है, दिल खराबा जैसे दिल्ली शहर है, या गालिब के हाँ आपको 57 के बाद की जो ताज़ा वारदाने बिसाते हवाए दिल जनहार गर तुम, मतलब आपको हर दौर में मिलेगा, मतलब गजल हर दौर में उससे कनेक्ट रही। लेकिन ये हुआ कि तकसीम के बाद तो जरा हम लोगों को थोड़ी सी सियासी खुद मुख्तारी भी मिली तो काइंड ऑफ कि हमें ये वो एनर्जी फील हुई कि जैसे अब हम बकायदा तजुर्बे कर सकते हैं, मतलब उससे पहले वो इस हद तक ब्लंट नहीं था। तो तकसीम के बाद तो फिर वो बहुत ही वाज़ह होगा, बहुत ही वाज़ह होगा, तकसीम से पहले भी था उसके बाद भी होगा। खुद हम ये भी कह सकते हैं कि गजल आते हुए हम साथ उठा लाए हैं अपने किस मैं समझा नहीं, वो बहुत ये तो वाकई गजल की बात होगी, मतलब गजल मतलब कि क्या हिंदुस्तान में भी गजल की रवायत उसी तरह से बरकरार रही, कोई हम इस बारे में कोई अंदाजा कयास कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी जबरदस्त गजल लिखी हुई और अभी तक लिखी जा रही है और उसके ऊपर आप देखिए कि हिंदुस्तान में उर्दू अदब की सूरतहाल कतन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हो और वहाँ ना हो। हमने तो क्योंकि उर्दू को एक खास हवाले से कलमा पढ़वा लिया और उसके बारे में अगर कोई और बात कर भी रहा है तो हम उसे सुनते नहीं है, हम उसके बारे में बात करते नहीं है। बहुत बड़े गजल गो हुए और आप देखिए उसके अलावा भी देख लें कि जो गजल के ऊपर बात करने वाले बड़े लोग हैं रिसेंटली वो सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे वो वारिस अलवी हो जाए, चाहे वो फारूकी हो जाए, उससे पहले के लोग हैं, दोनों तरफ ऑन किया जाता है। देखिये फिराक साहब बहुत बड़ा नाम है, आप फिराक ग्रुप पूरी को अगर निकालते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि आप गजल का खतना करते हुए आपका हाथ थोड़ा सा छूट गया और आपने मतलब पूरी तना ही काट दिया गजल का। तो फिराक हिंदुस्तान की पहचान, जदीद हिंदुस्तान का एक ऐसा आदमी है जो प्रॉपरली उसकी एक तहजीबी नजरिया साजी कर रहा है और वो गजल का दाई है, गजल का नुमाइंदा है। जी बिल्कुल, और वो हिंदुस्तान का आदमी है। बहुत बहुत अच्छा, ये बताइए गजल की, आपने इसमें कहा कि हमारी शेरी रवायत के अंदर शब्बेदारी भी शामिल रही है और आपने फिर शब्बेदारी को जो है वो बेख्वाबी के साथ भी आपने उसका एक जगह पे डाला है, तो इनमें आप कैसे फर्क महसूस करते हैं, शब्बेदारी में और बेख्वाबी में क्या फर्क है और इस तरह इसमें गजल के अंदर भी इस रुझान में आप
इसको आप बस भाई मेरा मेरी मेरे मेरी मतलब जिसारत कह लें, मेरा इश्तहात कह लें, मेरी मुतारिफ पर बिद्दत कह लें, जो मैंने मुझे खुद से मैंने मुझे चाहे ये बिल्कुल दुरुस्त ना भी हो, मुझे मुझे महसूस ऐसे हुआ। इसमें बुनियादी तौर पर गजल का नहीं है, शायर के तर्ज एहसास की बात है, जदीद फर्द की और माँ कबल जदीद फर्द के एहसास की बात है कि हमारी जो अपनी रवायत थी, जिस तरह अभी बात की कि अगर मीर ने तनकीद के नकाती पेश करना है तो वो गजल के शेर में कर सकता है। आज अगर कोई तनकीद लिखना चाहता है तो अगर वो रवायत चल रही थी तो शायद आज भी वो उसके पास कैपेसिटी होती कि वो उसमें लिख लेता, लेकिन अब वो क्योंकि वो रवायत टूट गई है तो हम उसमें तनकीद नहीं लिख सकते। तो हमारी हमारी तकसीम से पहले, स्पेशली तकसीम से पहले, फर्द का जो रिश्ता था खुद अपने आप के साथ और अपनी तहजीब के साथ, वो बहुत बिल्कुल मुस्तहकम था। मतलब बिल्कुल बेसिकली जो उसके उसकी रूह और उसके बदन का रिश्ता था वो टूटा नहीं था। तो हमारे यहाँ शब्बेदारी जो है वो एक सूफी की शब्बेदारी है, मतलब जो जिसमें प्रॉपरली एक रूहानी तजुर्बा है जो आपको प्योरीफाई कर रहा है, जो आपको मजीद अच्छा इंसान बना रहा है। बेखाबी तो आपको एक चिड़चिड़ा और एक नाकाबिले बर्दाश्त इंसान, मतलब बेखाबी सजा है, जबकि शब्बेदारी जो है वो जजा की कोशिश है या इस तरह की चीज है। तो और मेरे ख्याल इन से जदीद शब्बेदारी जो है इसमें कसद जी शामिल है, इसमें जी कसद बिल्कुल शामिल, बिल्कुल 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 इसमें बिल्कुल इरादा बिल्कुल शामिल, बिल्कुल शामिल। प्यार शामिल। एग्जैक्टली ये तो बिल्कुल वैसे जिस तरह कोई शख्स मर्जी से चिल्ले पे जाता है, मर्जी से मराकबे पे जाता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसको बीमारी लग गई तो वो चिल्ले में हाँ पड़ जी गया, या तो इम्पोज बेखाबी तो इम्पोज की गई है, मुसल्लत की गई है, की और वो लोग उस पर पीट रहे हैं कि यार हम लोग सो नहीं सकते। ऐसे ही कुछ लोग, कुछ लोगों, नासिर नासिर ने नासिर ने नासिर उन लोगों में से है कि जिसने इसको पॉजिटिव देखने की, बेखाबी को, रात रात के अच्छा एलिमेंट को पॉजिटिव देखने की कोशिश, पॉजिटिव इन एस। अब वो पॉजिटिव भी जो है उसमें नदामत भरी, यानी इंतजार हुसैन से वो कहते हैं कि यार तुम देखो, अगर फल पकता है तो वो रात के वक्त को पक कहीं पक जाता है, फूल खिलते हैं तो कहीं रात के वक्त में खिल जाते हैं। तो रात के वक्त में ना, और जिस तरह हमारे वो कसस में कहा जाता है कि रात के वक्त मतलब खुदा भी निचले आसमान पे आ जाता है ना, मतलब रात का फिनोमिना एक ऐसी चीज है कि हर चीज एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब बिल्कुल नासिर के यहाँ तो नासिर आपको प्रॉपरली फील होता है कि जैसे कोई चीज बंदों की भीड़ में गुम हो गई है, और नासिर को लगता है कि जब रात को सब कुछ थम जाएगा तो वो निकलेगा उन खामोश सुनसान सड़कों पे, तो जैसे वो गुजरे हुए वक्त को फिर से टच कर लेगा। मतलब यहाँ पे उसने बेखाबी में ये थोड़ी सी मस्बत और वो पॉजिटिव चीज लाने की कोशिश तो की है, लेकिन मतलब वो उससे वो उसको कहना पड़ा कि बिलाखिर ना, कि वो रात का बेनवा मुसाफिर, अब वो रात रात का का बेनवा बेनवा, मुसाफिर वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा। मतलब वो अब उसको उसकी उसकी प्योरिफिकेशन नहीं होती, और एंड पे जो उसकी नुमाइंदा तरीन गजलों में से एक गजल है जिसका जिसका काफी, मतलब सो रहो, उसका मतलब सो क्या, एक जो शब का स्याह है, मतलब जो 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 कहता है कि मतलब दाता और मेरे अलावा किसी ने जाके देखा ही नहीं है लाहौर में, जब वो शख्स सो रहो का नारा लगाता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसने बेखाबी के सीने से क्या चीज निकाल ली होगी कि उसके पास उसने ये नारा लगाया होगा। अब मीर मीर क्या, गालिब क्या, वो उस तरह वो और उनसे भी पीछे चल रहे हैं, तो वो वहां पर शब्बेदारी, मतलब मुझे लगा कि वो एक और चीज है जो उनका जागना है। मतलब सही गालिब अगर सही रात को जाग रहा है और वो गिरे लगा रहा है और सुबह वो खोलता है और हर गिरे के साथ वो शेर लिख लेता है, तो उसको उस अजियत का सामना नहीं करना पड़ा कि लाइक जिससे मुनीर नियाज़ी गुजर रहा है, या जिससे सलीम अहमद गुजर रहा है, जिससे नासिर काजमी गुजर रहा है। उसके यहाँ तो वो एक चुबारे पे बैठ के हवा, इवन जोश साहब के यहाँ जो तकसीम से जी पहले की, मतलब सुबह के वक्त की, सुबह सुबह उठ के वो देखने की, बिल्कुल वो सरासर एक नवाबी शौक, मतलब मैं तो उसको ये सुबह के वक्त आपके पास जागीर आप बाग में बैठते हैं सुबह देखते हैं, रसूल ना होते तो सुबह काफी थी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जोश शहर के उन्होंने हम तो देखते मतलब हैं गलीसर एग्जैक्टली, को सबाते हक के लिए अगर अगर रसूल रसूल ना सुबह काफी तो सुबह काफी थी, तो उन्होंने भी मतलब सुबह को एक इस्बाते हक के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन बिल्कुल जोश साहब को तो अल्लाह ताला ने मतलब हक दिखा दिया। जाहिर उन्होंने तकसीम के बाद देख लिया कि मतलब सुबह किस किस और चीज की भी दलील बन गई है। और इसमें ना कभी ये बात भी किसी हद तक कही जा सकती है कि जो रात है वो इंसानी लाशऊर की भी एक अलामत है। तो जो शायर होते हैं ये रातों में या चांद के साथ इनके पहर बदलते हैं, इनके मूड स्विंग्स आते हैं, इनके इनके ऊपर नई कैफियात आती हैं, रूहानी और अलहामी कैफियात से ये दो चार होते हैं, और इसके लिए इन्हें रात की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। महल अलामत ऑफ कोर्स, अपनी रात रात की अहमियत से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। जब ये आप भी कहा देखेंगे जाता रात, है
जी आप फरमाइए ये प्लीज। जो इंसानी लाशऊर है, हो सकता है उसके कुछ नेहा खाने तकसीम के बाद हम पे ऐसे खुल गए हों कि हम पे वहशत तारी होगी। ऑफ कोर्स ऑफ मुनीर कोर्स ऑफ कोर्स बिल्कुल है। नियाज़ी ने भी कहा ना कि मुनीर शहर पे आसेब है या क्या है, कि वो जी जो जी बिल्कुल। आसेब है, जो शहरी आसेब है, ऑफ वो उससे कोर्स भी दोचार हुआ आज का शायर, जदीद एग्जैक्टली। शायर। और इन लोगों को तो इस हवाले से भी होना पड़ा कि तकसीम के बाद एटलीस्ट जो जी, हमारी मुस्लिम तहजीबी रवायत थी वो तो सरासर पामाल हो गई। मतलब बिल्कुल इसी। तकसीम ने मुस्लिम तहजीबी जो हिंदुस्तान की मुस्लिम रवायत थी, हाँ मतलब जी, आप मैं समझता हूँ कि जो शख्स पाकिस्तान को उसका तसलसल कहता है तो शायद वो उसका मजाक उड़ाना चाहता है उस तहजीबी रवायत का, कि वो जो हिंद मुस्लिम तहजीबी रवायत, मतलब मुसलमानों की वो जो एक खास हमारा तहजीबी तसलसल और उसके इस्तेकाम चल रहा था वो तकसीम के बाद बिल्कुल पामाल हो गया। तो हमारी वो जो लाशऊर था जिसकी नुमाइंदा रात है वो बिल्कुल सरासर मैडनेस से भर गया है तकसीम के बाद, मैडनेस, मैडनेस टोटली मैडनेस से भर गया। अगर तो बिल्कुल या तो ये तजुर्बा कामयाब हो जाता पाकिस्तान का तजुर्बा उस वे में कि जिस वे में लोगों की तबक्कुआत इससे वाबस्ता थी, जिन लोगों पर ये गुजरा सानिया, मतलब बिल्कुल उन लोगों के सामने तो ये बिल्कुल ही नाकाम हो, मतलब जिन लोगों के खानदान कत्ल हुए, अपना घर बार छोड़ के आए, बस भाई वो अयूब खान के पाकिस्तान पे कैसे कनात कर सकते थे या सिकंदर मिर्जा के पाकिस्तान पे। बिल्कुल। तो इसमें मेरा ख्याल है कि एक ये भी बात किसी हद तक है कि जब हमने तहजीबी रवायत हम अपनी लेकर, हमने सोचा कि शायद हम तहजीब अपनी साथ लेकर आएंगे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि तहजीब जो है वो उसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, कई एक फैक्टर्स होते हैं। जी, बिल्कुल उसको बिल्कुल जब आप बिल्कुल लखनऊ या एग्जैक्टली दिल्ली पीछे छोड़ के आएंगे तो यहाँ पे आके आपको क्या आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो बिल्कुल 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 माहौल, वो माशरा, वो पूरा जो एक सेटअप जो मिलके तहजीब बनाता है। देखें, तहजीब के एग्जैक्टली मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स है ना। ऑफ आप कोर्स सिर्फ, ऑफ कोर्स अगर आप सिर्फ नमक खाने से अलहदा कर लें तो आप नमक के साथ रोटी नहीं खा सकते। नहीं रोटी खा के सकते लिए नहीं खा सकते आपको मुख्तलिफ अजजाए तरकीबा चाहिए जो मिलके वो हांडी दुरुस्त। तैयार करें, जिसका कोई बिल्कुल इसी तरह है। और आप तकसीम के बाद आप देखें कि 15 से 20 साल हमारे दानिश्वरों के पास, हमारे अदीबों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर पाकिस्तान की तहजीब, इसका सवाल मतलब जो हमारी तहजीब का सवाल था जिसपे मतलब तरक्की पसंद एक बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, वो राजा दाहर तक उधर तक लेके जा रहे बिल्कुल हैं हमें, उसका सबसे बता रहे हैं जो बिल्कुल दूसरे लोग हैं वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू कर रहे हैं, तो हमें महसूस होता है कि तहजीब लाने की तो बात ही नहीं हुई। मतलब अगर कोई लाते तो कुछ तो क्लियर होता है कि हमारा पॉइंट क्या है। मतलब इन्होंने तो यहाँ आने के बाद महसूस किया कि भाई अब तकसीम तो हो गई है तो अब कुछ तहजीब का भी कर लो, मतलब ये तो लगता है कि इन्होंने तकसीम के बाद सोचा कि यार अब तकसीम के बाद हमें तहजीब के सवाल का भी सामना है, यानी इससे पहले इसका आइडिया नहीं था, बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह। अंदाजा ही नहीं था। ये आपने, ये वो किस तरह शेर है कि एक दरिया के जो मैं पार उतरा, ये भी मुनीर नियाज़ी का, किस तरह था जी शेर? ये भी मैं बड़ा ये मशहूर शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं तो एक ये दरिया के पास एक और खड़ा। सवाल का, एक और साने का जी सामना था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये और भी प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह, तहजीब और वो ये सवाल नसर में गुम भी। हुआ है। हाँ असल जी, में नसर ऐसा में नहीं हुआ कि भी वो एग्जैक्टली नसर ऐसा में नहीं भी हुआ कि आप वो सवाल फिक्स कर दिया गया हो या वो सवाल बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया गया हो, वो सवाल गुम हो गया। मतलब हमारा हमारा मुकालमा कंफ्यूजन का शिकार हुआ और वो सवाल गुम हो गया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि तकसीम के बाद के लोगों ने 15-20 साल काम किया हो, तहजीब का मसला फिक्स किया हो और अब हम चल पड़े, ऐसा नहीं हुआ। लोगों की वो बदल गई रुझानात और फिर 71 के बाद तो लोग एक बिल्कुल और कैफियत में चले गए। मतलब अब तो वो तहजीब वाला सवाल उठता ही नहीं है। वो अब हम और शायद शायद किसी हद तक ना यहाँ पे हम ये भी भूल चुके थे कि जब हम अपनी तरफ से मिसाल के तौर पे वहां से तहजीब अपनी उठा के इधर ले आए सरहद पार, तो हम ये भूल गए कि जो यहाँ तहजीब थी वो भी सरहद पार जा रही है। जी, वो हम भी सरहद पार ये जा रही है। बात ऑफ कोर्स भूल ऑफ कोर्स ऑफ गए, कोर्स ऑफ यानी हम कोर्स ये ऑफ भी कोर्स। भूल गए कि ऐसा भी होता है ऐसे के कामों और जो सरहद पार नहीं गई हमने उसको खंडर बना दिया। मतलब आप देखें कि जो में। यहाँ के जो बेचारे, अब जाहिर है मतलब मंदिर उठ के तो नहीं जाएगा ना, मतलब अब हिंदू तो जा सकता है यहाँ से हिजरत करके, अब कटास ऐसे ही मंदिर बेचारा कैसे, उसको टांगे नहीं लगी वो तो नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने उसके नीचे सीमेंट की फैक्ट्री बना के ना उसको पानी तक चूस लिया। बिल्कुल ऐसे तो हमने तो आप समझ लें कि लोग खून चूसते थे, हमने पानी तक भी चूस लिया। आप इससे हमारी प्यास का अंदाजा करें, प्यास करना। हमारी और जिस हमारी जो तरह तहजीब बजा फरमा रहे हैं, जिस तरह एक सूफी के बारे में भी आप बात कर रहे थे ना कि गजल के अंदर सूफियाना रंग भी किसी हद तक मौजूद है, और है। तहसीन के बाद भले इतना ना हो लेकिन हमें पहले तो काफी ज्यादा ये मुख्तलिफ, क्योंकि जी तहजीब का ही हिस्सा था, इसीलिए हमें सूफियाना रंग भी नजर आता है।
और तसव्वुफ, तसव्वुफ तो बहुत बड़ा, मतलब तसव्वुफ शायद सबसे लेकिन और बड़ा हो गया ना, ऑफ कोर्स। और अगर जिस तरह तसव्वुफ के अंदर एक सूफी के लिए जो फिराक जो अहमियत रखता है, इसी तरह हमें गजल में भी हिजर का एक और हिजर और विसाल का मसाया। असल में आप तो ये आपका मैदान है, आप इस पे बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू आप कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। जाहिर तसव्वुफ के अंदर जो एक खास किस्म की बतौर नजरिया एक नफासत पाई जाती है हर आइडियोलॉजी में कुछ, मतलब अब मुझे लगता है कम्युनिस्ट बीइंग कम्युनिस्ट इज रूट ना, कि कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो उसमें एक वहशत और एक ना खास किस्म की ना आपको लगता है कि कांटे भरे हुए हैं। लेकिन तसव्वुफ को एज आइडियोलॉजी वो बड़ी नफीस सी और एक खास, तो उसमें ये गजल से इश्तराकात ऑफ कोर्स मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। और शायद थोड़ी सी तवज्जो मैं इस तरफ दिलाना चाह रहा था कि ऐसा भी क्या कहा जा सकता है कि हमें एक नहीं दो नहीं, हमें तीन तीन हिजर तीन तीन फिराक का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मतलब अगर सूफियाना मशरब रखता है तो खुदा से दूरी है, फिर आगे अपनी तहजीब से दूरी जो है वो हमें पाकिस्तान आके मिली। जी 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 जी, ये भी एक तीसरे दर्जे का हिजर मिला। और अब तो हमें इस दूरी के एहसास से भी दूरी हो गई है, मतलब हमने उस तहजीब के सवाल पे सोचना भी छोड़ दिया है, हमने मतलब एक उस दूरी के मसले से भी हम दूर हो गए, तो मतलब इससे हम किसी चीज के करीब नहीं गए, मतलब जैसे कि ना हम दूरी से भी दूर हो गए कि हम आज तो आप मैं या हमारी नस्ल का कोई आदमी भी ये तहजीब के मसले पे कहाँ सोच रहा है, ये किस अंदाज से सोच रहा है, वो सवाल हमारे जहन में मौजूद ही नहीं। तहजीब का तो तब सोचेगा ना जब वो उसका पेट भरा होगा, मेरा ख्याल है कि पहले पेट भरे तो तहजीब बाद में शुरू होती है। दुरुस्त, दुरुस्त, जब तक इंसान भूखा हो वो एक दरिंदगी के एक मकाम पर है, वो अभी तक इंसान नहीं है, वो अभी तक क्योंकि उसके बुनियादी जो जबिली मसाइल हैं जब तक उनका ही कोई हल नहीं हमारे पास मौजूद, तो हम तहजीब और बात भाई तहजीब होती है दुकान जमीन की तहजीब होती है ना, किराए की जगह की तहजीब नहीं होती। हमने तो अपने मुल्क को किराए की जमीन बना दिया ना, कि कभी फलां को किराए पे दे दिया, कभी फलां को किराए पे दे दिया, तो यहाँ पे तहजीब तो एक स्टेबल जगह की होती है, किसी जमीन के ऊपर तहजीब, तो हमने तो अपनी जमीन को जमीन रहने नहीं दिया, तो मतलब कभी अरबों के पास छोड़ दी, कभी अमरीकियों के पास छोड़ दी, कभी वेस्ट की तरफ चली गई, कभी इस्लाम। ये तारीखी तौर पे भी बड़े सगीर की सूरत हाल हमें यही नजर आती है, दगर वो ही नजर आती है, कभी सासानी आ रहे हैं तो कभी जो है वो वस्ती एशिया से लोग आ रहे हैं, आर्यंस आ गए, कभी गोरा आ गया। तो मेरा ख्याल है उसी रवायत को हमने भी बरकरार रखा हुआ है, हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, जो चाहे जब तक चाहे अंदर रहे, अंदर कॉलोनियां बना ले, अंदर जो है वो बैरक्स लगा ले, वट एवर, तो वो इसी तरह मेरा ख्याल है, तो ये इसी तरह चलता है। कोई उम्मीद की गुंजाइश नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल वही सूरत हाल है। गजल के बारे में एक और बात आपने ही लिखी है कि गजल औरतों से बातें करना है और औरतों की बातें करना, औरतों से औरतों एक मफहूम, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी चीज को जब अभी आप बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तो मैं गौर कर रहा था कि शायद इन दोनों के दरमियान भी कोई ताल्लुक मौजूद है कि नहीं, कि हमारी तहजीब की जो अकासी है वो गजलियात की सूरत में, आपने कहा ना कि गजल से जी, गजल अकास है, हमारी एक ट्रॉमा की भी अकास है, और गजल के अंदर भी जब यही चीजें मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा और इस पर आप कुछ बात करें, क्योंकि औरत या जो नस्वानियत है या ये जो खातून होना है, शायद ये भी किसी हद तक हुक्म के यहाँ एक लाशौरी कैफियत है, एक जज्बात से भरपूर, बिल्कुल 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 ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल। बस भाई आप तो आप इस बात से वाकिफ हैं, मिडिवल एरा में जिस चीज को हम कल्ब कहते हैं वो उसका काम सिर्फ दिल खून पंप करना नहीं है, ये तो अब हमने ये क्लरिकल काम उसके जिम्मे लगा दिया ना, वो तो आंखें रखने वाली एक चीज है जो बाकायदा देखती है। तो जब हम कहते हैं कि गजल औरतों की बातें करना है या औरतों से बातें करना है, तो उससे मुराद ये है कि गजल गो जो होता है वो दिल से देखता है, क्योंकि औरत और आदमी का ताल्लुक अगरचे बाज और मतलब चीजों से भी है, लेकिन दिल का भी उसमें जाहिर है एक किरदार तो है ही से। तो जिस तरह हम एक एक एक, एक तड़प है, मतलब जो एक एक मोहब्बत बेसिकली मर्द और औरत की मोहब्बत है, वो तड़प जो है ना वो गजल गो के यहाँ लाजमी है, मतलब चाहे वो जिस मौजू पे जो मतलब गजल के जितने भी मौजूआत हैं और उनमें जितना भी इर्तका हुआ हो, उसकी जो नफासत होगी, उसकी जो ऑन्टोलॉजी होगी और उसके उसके उसकी जो एक खास किस्म की ग्रेडिंग होगी, वो हमेशा उस शख्स की होगी, उस तनाजुर से होगी कि जो एक जो शख्स दिल से देखने वाला हो,
अब जो नज्म है वो तो उसमें तो बाज़ औक़ात लगता है कि आंखों से भी नहीं देखा जा रहा, बल्कि सिर्फ एक चश्मा पड़ा हुआ है और वही देख रहा है और वो पीछे इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। मतलब नज्म तो कहीं हमारे यहाँ कहीं कहीं जो जदीद हो। जज्बात, कहीं जज्बात का आपको उसमें कमी महसूस होती है नज़म के अंदर? हालांकि रब मैं तो है, नहीं, रब तो है रब ऑफकोर्स, वो तो बनाई ही रब के लिए गई है, वो तो बनाई ही रब के लिए गई है। और लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि गजल में रब नहीं है। मतलब अगरचे तो लोग तो यही कहते हैं कि गजल में रब है, होता ही नहीं है, या कोई रब मुमकिन ही नहीं है। नज्म तो बनाई इसलिए गई कि यार हम कोई रब में बात कर सकें, ताकि रब में बात करेंगे तो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, कोई बात कर सकें। जो हाल ही से और आगाज से जदीद शायरी की तहरीक शुरू हुई, बिल्कुल तो उसने रब का ये नारा तो लगाया। ऑफ कोर्स मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा था कि उसमें एक नारेबाजी की कैफियत बहुत ज्यादा है, उसमें वाशगाफ होने की जो नज्म के अंदर होती है वो बहुत जी ज्यादा है। और आपको प्रॉपरली एक महसूस, आपको कमेंट्री कमेंट्री लगता है कि कोई शख्स जैसे कमेंट्री कर रहा। अब कमेंट्री करने वाला कभी भी दिल से देख के कमेंट्री नहीं करता, जाहिर है, बल्कि वो तो वो कंप्यूटर पे उसको आ रहे होते हैं कि शायद मतलब वो आउट हो यानी गया या वो सब्जेक्टिव, उतर गया। अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का बरमला इजहार नहीं करता ना, जिस तरह हम सब रमे आहू कहते हैं, एक्जैक्टली, रमे आहू। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा ख्याल है बिल्कुल कि बिल्कुल, गजल भी रमे आहू होती है, ये आपने ये सब्जेक्टिव में एक्सपीरियंस जिसका की बहुत खूबसूरत बात की, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि हाँ, गजल ये मेरा बुनियादी तौर पे तकरीर वो है जब आपने किसी को राह चलते दफतन चमाट मारी, और जो आगे से कलाम नाजिल होगा वो तकरीर होगी। इसी तरह बिल्कुल मेरा ऐसे, ख्याल है वो जो दर्द है, वो जो कर्ब है, वो जो हिजर और विसाल की सरगुजिश्त है, उसमें से जो आपके अंदर से अलहामी अल्फाज निकल रहे हैं, उनका जो रब्त है वो शायद गजल है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और गजल, आप ये जो सब्जेक्ट, ये आपने मुझे बड़ी अहम बात याद दिला दी। मतलब गजल जो है बेसिकली आप दाखलियत और सब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट पे खड़े होके उस पे आप खारजियत को देख रहे हैं। मतलब बिल्कुल आपने दुनिया को दिल की नजर से देखा है, नज्म में उल्टा है कि मतलब आप खारजियत को बतौर खारजियत ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो हमारे पास, हमारी तहजीब के पास तो उसके टूल्स थे ही नहीं एज सच। मतलब हमारे यहाँ इस तरह नहीं लिखी गई नज्में कि जो डिस्क्राइब कर रही हो चीज़ों को, सिर्फ जो खारिज को बतौर खारिज, सिर्फ खारिज रख के जो मारूस की दुनिया है उसको बता रही हो। तो नतीजा क्या निकला है, मतलब हमारे यहाँ गजल नज्म में एक तो मतलब बहुत खास किस्म की, मतलब या तो सियासी मौजूदात की भरमार हो गई है, या फिर बहुत कुछ रवायती चीजें हैं जिनके ऊपर लिखी जाने लगी। और वो भी आप देखें कि उसकी उम्र कितनी कम रही है, सिर्फ 30 से 40 साल के। अब इसको आप बजा तौर पे ये कह सकते हैं कि तरक्की की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, अब हम तजुर्बात अदब में बहुत ज्यादा और बड़े जल्दी किए जा रहे हैं। होता है शबो रोज तमाशा, जो है ना वो जो शबो तमाशा, रोज का तमाशा है, उसकी रफ्तार तेज तर हो गई है और सफर आहिस्ता हो गया। जी, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे, हमें बिल्कुल ऐसे। इन तमाशों के अंदर जो है ना वो उसके लिए एक जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करने वाला जो एक शायराना मिजाज है, उसके लिए भी काल पड़ गया है ना। देखिए ये भी तो एक मामला आया कि जो पहले का शायर था उसको जो चेहरा मयसर था, जो तहजीबी चेहरा मयसर था, वो तहजीबी चेहरा हमें नहीं मिला, और नतीजा ये निकला है कि अब हमारे लिए वो गेसू, वो दराज गेसू का कोई मानी ही, मफहूम ही बाकी नहीं बचता। दुरुस्त या दुरुस्त, जो बाकी तहजीबी रवायत के मुख्तलिफ इस्तारे हैं उनको नाइस हमने पॉइंट। इस्तेमाल तर्क कर दिया, हमारा लिविंग स्टाइल बदल गया। तो अब आपको लगता है कि क्या गजल उन पुराने अपने जो उसके किनाए हैं, जो इस्तारे हैं, जो उसकी कलमियात हैं, क्या वो उनको अभी भी पुराने उसी पैराए में इस्तेमाल करना किस हद तक माकूल होगा या किया जाना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए उसके उसके कुछ उस उन उन्हीं किनारे के अंदर चीजें बदली भी हैं। और ये तो शुरू से होता है। मतलब देखें, आपको चाहे इनकी हल्की फुल्की आप इनके ग्रुप्स भी बना लें, लाइक मीर मीर दर्द और सौदा, इनको इकट्ठा कर लें, गालिब इंशा जुर्रत मोमिन, इनको इकट्ठा कर लें, फिर उसके बाद हसरत को, असगर को, और ये जो एक मकसूफानी को, इनको जी इकट्ठा कर लें। इनके यहाँ भी आपको एक उन्हीं कनायों का, उन्हीं इस्तारों का आपको एक फ्लो नजर आता है कि मीर के वक्त वो चीजें थोड़ी सी और थी, वही उन्हीं अल्फाज से की जा रही। मैं इसमें ये कहना बेसिकली चाहूंगा कि बासित भाई, खारिजियत के ऊपर अथॉरिटी हम लोग नहीं है। नहीं है खारजियत बेसिकली हमें तो मगरब ने आके बताया है कि भाई आप लोग घर में रहते हो, बिल्कुल बाहर एक खारिज की चीज भी मौजूद है, ठीक बिल्कुल है। अब जो हमारा तहजीबी रेफ्यूज है, या तहजीबी रिफ्यूज उसको ना भी कह लें, तहजीबी शनाख्त जो है वो एक ऐसी सेहतमंद दाखलियत है कि जो उस खारिज के साथ
अपनी पहचान रखते हुए एक मसाले या एक पॉजिटिव रवैया अपनाए तो हम बच, क्योंकि हमारी तहजीब दाखिलियत की तहजीब है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें दाखिलियत से दस्तबरदार हुए बगैर हम जी नहीं सकते या हम इस दौर में आगे बढ़ नहीं सकते। इवन मगरिब अपनी एक मखसूस दाखिलियत रखता है ना, उसने उसको तो हमें नहीं बताया, उसको तो उसने हमें नहीं बताया ना भैया, हम तक अखबार वगैरह ये चीज तो पहुंचा दी, ये जो खारजियत की जो ऊपर की डिटेल्स थी वो तो उसने सारी बता दी, जो उसका एसेंस है जो मगरिब की अपनी तहजीब का एसेंस है वो तो वही रहा है ना, वो तो शिफ्ट नहीं हुआ है। अब हमारे यहाँ देखें, अगर रेलगाड़ी आ गई है, जहाज आ गया है, साइंसी सोच क्यों नहीं आई? मतलब देखें, मगरिब ने वो खारजियत यहाँ पहुंचा दी, वो दाखिलियत यहाँ नहीं आई। हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ नंगी और एक इस तरह की जो बिल्कुल जिसका ना मुंह है ना पैर है, वो खारजियत कबूल करके ना हम समझते हैं कि हम बराह रास्त मगरिब बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ ये निकला है कि हम अपनी दाखिलियत से महरूम हो गए, और जब हम अपनी दाखिलियत से महरूम हुए तो ना हम मगरिब तो बन सकते थे, मशरिक भी नहीं रहे, एक अजूबा बन के बिल्कुल कबा चला। हंस की चाल अपनी चाल भी भूल, अपनी चाल भी भूल गए, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। और हम इसीलिए मैं कह रहा था कि गजल हमारी तहजीब की, हमारी तहजीब और गजल एक चीज है, क्योंकि देखें गजल भी दाखिलियत, गजल का पैराडाइम जो है वो दाखिलियत का है, हमारी तहजीब का जो एसेंस है वो दाखिलियत का है। अब जो एक मजबूत और जो एक नुमाइंदा गजल है वो ये नहीं करती कि वो दाखिलियत, मतलब वो खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं करती कि वो खारिज के ऊपर पेंट फेर देती है दाखिलियत का, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। वो एक बहुत, मतलब वो दिल की आंखों से दुनिया को देखती है, वो दुनिया को दिल नहीं बनाती है, वो देखती दुनिया को ही है लेकिन दिल की आंखों से देखती है, और वो उस आंख का और उस नजारे का वो एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाती है। कबूल, अगर हम खारजियत को कबूल कर, खारजियत को देखती तो है लेकिन जी, ये जी, नहीं कहता कि देख जरूर मगर प्यार से, तो जी, जी, हाँ। लेकिन जो इजहार है उस देखने में वो किस किस्म का है, वो उसको रद्द करने का है या उसको कबूल करने का? मेरा ख्याल है कि कबूल करने की बजाय बहुत ज्यादा जो आप जिस मैडनेस की बात कर रहे हैं उसी मैडनेस का इजहार हमें जॉन के आगे मिलता है ना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, जॉन जॉन के यहाँ भी मिलता है, जॉन से पहले भी मिलता है, जी जी जी, नासिर के यहाँ भी मिलता है। नासिर के यहाँ तो वो बड़ी ही, बहुत ही नफीस और बड़ी ही, आप समझते हैं, वजादार किस्म की मैडनेस वो नजर। सलीम के यहाँ आपको मिलता है, उससे पहले भी आप देख लें, इवन इनसे थोड़ा सा आप पीछे भी चले जाएं तो यगाना के यहाँ भी मिलता है, वो अगरचे थोड़ी सी और किस्म, उसका आप इस तरह तहजीबी जोग्राफिया नहीं दरियाफ्त कर सकते, तो तब तक ये चीज़ें हुई नहीं थी जिसने इनको तय कर दिया हो इन चीज़ों को। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, गजल आपको ये नहीं कहेगी कि तुम खारिज को कबूल करो या तुम खारिज को रद्द करो, वो इससे तो बात ही नहीं करेगी। वो मैं ये कहेगी, नहीं वो ये कहेगी कि यार तुम अपने अंदर की आंख मरने मत दो, ठीक है? अब वो आंख नजारे का इनकार करती है या वो नजारे का इकरार करती है, ये गजल का सवाल ही नहीं है। गजल सिर्फ ये कह रहा है कि वो तुम्हारी जो चश्मे बीना है ना वो बंद नहीं होनी चाहिए, और ये दाखिलियत जो है ये हमारी तहजीब का एसेंस है, और इसमें हमारी, आप फरमाइए प्लीज। मैं कभी कभी ना वो अलहामी कैफियात आप कहते हैं बताते हैं, मैं तो शायद नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं है कैफियात तो, लेकिन कभी कभी ना अभी आपको पता है कि हमारे कभी कभी ना इकबाल का कुछ याद, माजरत चाहता हूँ आप, मैं ये एक स्कूटर वाला है, इसको पता नहीं कैसे पता चलता था कि मैं कमरे में बैठा हूँ, वो रेस देखो जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं कि जो शोर व गुलगुला की जो हमारी ये तहजीब है ना जिसको हम मैडनेस कह रहे हैं, इसी के अंदर जो है ना ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कभी कभी कि इंसान को अचानक इकबाल ही याद आना शुरू हो जाता है। जी जी, उससे अंदाजा लगाइए किस हद तक मामला बिगड़ गए। वो ये इकबाल ही मुझे याद आता है कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर, जो दिल का नूर है मेरा ख्याल है गजल जो है उसको हम दिल का नूर भी कह सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, दिले बीना कह सकते हैं जिससे खारिज की दुनिया का नजारा किया जाए, नजारा किया। अब वो आपको बिल्कुल वो नूर आपको ये नहीं कहता कि तुम मुझसे फलां को ना जो है उसको चमकाओ और फलां को ना चमकाओ, वो उसका तो ये सवाल ही नहीं है। ये तो मतलब क्योंकि दिल भी आपकी पूरे वजूद के अंदर पाया जा रहा है ना, मतलब दिल पूरा वजूद तो नहीं है, दाखिलियत जो है उसका आपकी स्पिरिट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाह रहा था थोड़ा सा ना हम अब मौजू को फैलाते हैं, थोड़ा सा अब हम गजल से बाहर निकलते हैं। जी जी, तो एक आखिरी सवाल गजल के हवाले से ये आता है
आपको ये गुमान गुजरता है कि आइंदा जो शुरा आएंगे, यानी हमारे बाद की जो एक नई नस्ल है, जो कि जनरेशन जी है या सो, ये जो नए जहन है, ये इनके दिल की बुआ किसी तौर पे बीना रहेगी, या ये गजल जो है वो मुकम्मल तौर पे एक नए पैराए में ढल जाएगी, जिसके अंदर महज एक नाजिर होगा लेकिन उस नाजिर के अंदर दिल नहीं है। देखिए, मैं बसंत भाई ये समझता हूँ कि जो गज़ल के अंदर एक वो रमजियत, इमायत, इख्तसार, अजमाल, खूबसूरती, ये जो सारे उसके लवाजमात थे, अब हमारे तहजीबी तजुर्बे से बिल्कुल खारिज हो चुके हैं और हमारे यहाँ वो फर्द मौजूद नहीं है कि जो इन इन चीज़ों के साथ वजूद रखता हो, पूरा शख्स हो इन चीज़ों का हामिल। अब मैं तो इस हवाले से बिल्कुल बिल्कुल समझ लें कि मुझे मुझे इस मुझे इस हवाले से मालूम नहीं है। मैं इस हद तक नाउम्मीद हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है और या इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। क्योंकि आप देखें कि हमारे माशरे में इमाइत और वो रमजियत और वो एक खास किस्म का, आप समझ लें कि आपका गजल का हर शेर मुख्तलिफ है लेकिन फिर भी उसमें एक रब्त है, मतलब रीजन इन मैडनेस है और वो एक खास किस्म मेथड इन मैडनेस है। अब हमारे यहाँ वो रब्त जो दीवानगी में और होशमंदी में है वो बरकरार रहा ही नहीं है। अब हमारे यहाँ जो मौजूदा अहद में गजल की सबसे बड़ी किताब लिखी गई है, उसकी वाहिद अच्छी बात यह है कि वो 52 सफ़ों की है। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कारीन नाजरीन जानते ही हैं। तो मतलब देखिए, इस हवाले से तो मैं गजल से हूं ही हूं, मतलब उस हवाले से पुरुमीद हूं कम से कम कि अब गजलों की जो किताबें हैं कम से कम उनकी जखामत कम कर दी गई है ताकि हम जैसे मतलब जो आज खुद हसास कारीन है उनको कम दुख पहुंचे। चलो मतलब 52-53 सफ़ों में ही उनका ना किस्सा पाक हो जाए। वो जिस अमीर साहब ने कहा था कि ये तू इससे आगे दमखम पे धो ही लेता ना अपने इसको, जो वो किसी शायर उन्हें नाम नहीं याद आ रहा कि तो ये किससे ही पाक हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये मैं अपना दीवान ले गया था हजरत, इसे बिल्कुल हजरत अस्वद से मैंने मस किया ताकि इसकी तासीर पैदा हो जाए। और यही बात मेरा ख्याल है किसी हद तक हमें जुबान में भी नजर आती है, उर्दू जुबान में, कि जब आपके पास कज कुला का जी मानी मफहूम रहे ही ना, तो अगर आप कज भी करेंगे तो वो कज की बजाय जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, यानी टेढ़ेपन में और कजी के अंदर जो कज कुला है, या करो कज जबी पे सरे कफन है, वो कज जो है वो टेढ़पन का शिकार हो चुका है। शायद हमने कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की है। असल में गजल गजल जो है वो शर्त बहुत बड़ी आयद करती है। नज्म जो है टेक्निकली एक क्लरिकल काम है कि आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, एक खूबसूरत डिस्क्रिप्शन देनी है, या एक आपने पढ़ के चीज बयान कर देनी है, या एक सामने जो चीज हो रही है वो बता देनी है। गजल के अंदर क्योंकि इस तरह का रब्त वो उसकी हैत में रब्त मौजूद नहीं है, तो वो क्या मांगती है कि उसके शायर की शख्सियत मुकम्मल हो। अच्छा, इसी चीज को सलीम अहमद कहता है कि औरत की तरह शायरी भी पूरा मर्द मांगती है। अच्छा, इस पूरा मर्द से मुराद क्या है कि एक ऐसा शख्स हो कि जो जो इस सारी चीज को जो गजल के अंदर जो वो रब्त चल रहा है वो रब्त शायर की शख्सियत का रब्त है। वरना तो हर शेर एक अलग दुनिया है, एक अलग यूनिट है, लेकिन वो तो उसमें रब्त चल रहा है, वो शायर की शख्सियत। तो हमारे यहाँ गजल आना बंद नहीं हुई, मर्द आना बंद हो गए हैं। अब हालांकि आप देखें हकीम कितने ज्यादा हैं, मतलब आप देखें हर दूसरी दुकान पर जर्मन दवाखान, इनको मतलब कम से कम इस रुख से अगर इलाज करना शुरू कर दें तो शायद गजल की खिदमत हो जाए, मतलब बाकी चीजों पर तो ये नहीं कर सके। मर्द आना बंद हो गया। कह तो रिजाल की बात हो रही थी, ये सूफिया के यहाँ भी आपने ये जी, चीज सुनी पड़ी होगी और इसको उसी कि आपकी बात से जोड़ने दे जफर बासन भाई, मर्द आना बंद होंगे तो जाहिर है औरतों की बातें करना तो खुद ही खत्म हो जाएंगे ना। औरतों की बातें तभी खत्म होती हैं, औरतों के बारे में बातें करना या औरतों से बातें करना, वो बातें खत्म नहीं होती, बेसिकली मर्द आना खत्म हो जाते हैं जो वो बात कर रहे होते हैं। और मर्द से यहाँ मुराद मतलब वाकई मर्द नहीं है, इससे मुराद एक पूरी शख्सियत है कि जिसके कल्ब और रूह का ताल्लुक जो है वो जुड़ा हुआ, वो हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं है। और इसका फिर वहां से वो तहजीब से जुड़ जाता है, तहजीब का सवाल भी गुम हो गया, मतलब उसके साथ ही शायद मतलब वो सारे लोग चले गए। यानी हम आहिस्ता आहिस्ता आपके डगर पे चलते हुए जा रहे हैं अपनी जी नबी की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़ा इससे पुरउम्मीद हूँ कि मतलब जिस तरह वो मजूबे फरंगी ने कहा था कि अगले अब 200 साल जो है ना, ये मार्क्स ने भी कहा था कि भूत का सामना है,
तो हमने तो अच्छा किया कि हफ्ज़े माता कद्दम के तौर पे पहले ही उसके उसका उस पर ईमान ले आए ना, तो कम से कम ये कि उसे शनासाई हो गई थोड़ी सी। ये मतलब एक तस्लीम करने की बात है कि ठीक है अगर हम पे मैडनेस ही है, आप उसे तस्लीम किए बगैर आगे गुजरे। अब सिराज मुनीर ने जिस गजल को हमारे अहद की जदीद गजल करार, जदीद अहद की नुमाइंदा गजल करार दिया, सर आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं बेशक, उस गजल का बुनियादी मफहूम ही यही है कि तेज हवा का शोर, ये उसका काफी है कि जाने किसी ने क्या कहा तेज हवा के शोर में, मुझसे सुना नहीं गया तेज हवा की शोर। अब ये गजल है लेकिन ये सिर्फ यही बता रही है कि शोर की कैफियत है, शोर है, शोर है, तो वो उस शोर में आवाजें दब गई हैं। नासिर ने भी यही कहा, नासिर के यहाँ भी हमें बिल्कुल समाज के ऊपर एक मुख्तलिफ और मुनफरिद नजर मिलती है मुनीर के, और इनके इन वो वही नसर चली है आप बासित भाई जो मुतहदा हिंद में पैदा हुई हुई थी, जैसे वो लोग मरते गए हैं आप देखें गजल खत्म होती गई है, मतलब वो जनरेशन आई है कुछ 80s तक 85 तक, मतलब कुछ जो बेचारे बहुत सख्त जान थे जॉन साहब जैसे वो 2000 तक भी आ गए हैं, लेकिन जाहिर है उसके बाद तो उन्हें खिलाकर ही मर जाना चाहिए था जिस तरह की दुनिया पैदा हो गई थी। तो उसके साथ ही मतलब हमने नई गजल तो पैदा ही नहीं की, ये जो नई गजल पैदा भी हुई है ये उस पुराने समाज के लोगों ने पैदा किया, वो लोग खत्म हुए गजल खुद ब खुद खत्म हो गई। और मेरा ख्याल है कि अबू बकर किसी हद तक सामने का ना होना भी, यानी हमें कहते सामे भी हमें मर्द नहीं मिला तो हमें औरत भी नहीं मिली ना, यानी वो समात नहीं मिली, वो बजीराई नहीं मिली, तो वो शायरी इसी तरह अपनी रवैये बनाती चली। ऐसी 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 वो ये तो बड़ा जदीद गजल पे बात करते हुए वो जॉन साहब मुशायरे में बैठे हैं या कोई और शायर बैठे हैं तो आज उनपे मजमा हंसता है, तो पहले पत्थर बरसाते थे आज कहते हैं पत्तियां बरसाते हैं, तो ये इसी तरह इससे जैसे जैसे सामने बदलता जाता है आपको अंदाजा होता है कि हम लोग ज़हनी सतह हमारी किस कदर पस्त हो चुकी है कि हम किसी इंसान को उसके मुनफरिद रवैये के साथ भी कबूल नहीं कर पाते। जैसे आपने रब की बात की थी तो तहजीब तसलसुल का नाम है जिसमें सब एक दूसरे के साथ भले एक दूसरे से मुख्तलिफ ही हों जिस तरह के अज्जाए गजलियात हैं लेकिन एक खूबसूरत आंग के अंदर वो अपने अंदर जामे। और जी जी बिल्कुल 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 वो तस्बीह के दानों की तरह की कैफियत और तहजीब और तस्बीह, मतलब जॉन साहब का ही मुझे शेर याद आ गया, आप मुझे जॉन को बार बार याद दिला रहे हैं कि इर्तका है इबारत बटन लगाने से, महज़ब आदमी पतलून के बटन तो लगा कि इर्तका है इबारत पतलून के बटन तो लगा कि इर्तका है इबारत बटन लगाने से। तो हमने तस्बीह के दानों को पतलून के बटन से बदल दिया है और तहजीब जो है वो इर्तका में दफन हो गई है। अब इर्तका जब महज इर्तका रह जाएगा बासित भाई तो वो तहजीब की मौत है, क्योंकि तहजीब महज इर्तका नहीं है, तहजीब कुछ पेरिनियल ट्रुथ भी है, कुछ बड़े बहुत बड़े स्टेबल जिनमें इर्तका मुमकिन ही नहीं है, तो खुद इर्तका को उसका मानी दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो एक नंगा इर्तका बाकी रह गया। अब नंगा इर्तका तो अब देखें सरासर मौत है, मतलब वो तो मौत के कुएं में बल्कि मोटरसाइकिल चलाने जैसी कैफियत है, तो वो ऊपर जा तो रहा है लेकिन वो क्या इर्तका है, वो तमाशा है, वो तमाशा है। हमारे यहाँ जो अब सबसे बड़ा तजुर्बा किया गया इवन जफर इकबाल का भी और उकाड़े की सरजमीन से किया गया, उकाड़े की सरजमीन का भी बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर पूरे पाकिस्तान के ऊपर। तो अब उसमें आप देख लें एक खास किस्म की सत्य, मतलब मैं जफर साहब पे ही बात कर, वो हमारे जो इस जगह की मतलब वो तो मुतासर नहीं हुए जाहिर याद होता कि तकसीम में टोबा टेक सिंह तो वो बेचारा कह रहा था कि जिस जमीन पे वगैरह वही टोबा टेक सिंह था, काश मतलब मंटो ने वो अफसाना जो था ना वो उकाड़े के ऊपर लिख दिया होता तो शायद, मैं इसमें यकीन की महज इसको तशबीहन इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी भी नामे नामी की तरफ इशारा मकसूद नहीं है, जफर इकबाल साहब की भी बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल एक अजीबो गरीब किस्म की मतलब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब तहजीब मर जाए और सिर्फ इर्तका बाकी रह जाए, तो आपको वो नजर आता है जफर इकबाल के तजुर्बे के यहाँ कि तजुर्बा बाकी रह गया है लेकिन तख्लीक गुम खत्म हो गया ना, कि सिर्फ तजुर्बे के नाम पे एक वो किया जाए जो उनका तजुर्बा है जो उन्होंने किया जदीद शायरी के अंदर जफर इकबाल साहब। बात हो रही है सारे मामलात की तो ये बताएं कि शायर जो है ये पैदा होता है कि इसको हालात पर इस पर क्या राय है? अच्छा इस पे तो मेरे ख्याल में बासित भाई मुनासिब तो ये होगा कि किसी शायर से पूछा जाना चाहिए, लेकिन अब फिर उस पे आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि यार मुझे किसी शायर का बता दो कि मैं किससे पूछूं, तो अब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है,
तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मतलब अब तहजीब की बात, और तहजीब हाफिज साहब से शायद यही सवाल पूछा गया था, बिल्कुल मैंने ये नहीं देखा था कि उन्होंने उसका जवाब क्या दिया, तो वो मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। मैं अब अपनी राय दें। मैं तो बासित भाई ये समझता हूँ कि ये मैं तो इस तरह करके फर्क नहीं समझता हूँ कि जिस तरह हम क्लियरली मतलब बतौरे शख्स एक अलग कर देते हैं कि शायर एक शख्स ही अलग है और नसर निगार एक शख्स ही अलग। मैं तो इसको एक तर्ज एहसास का नाम देता हूँ। अब तर्ज एहसास जो है जाहिर है वो इनेट नहीं है, क्योंकि वो एक तर्ज है, और तर्ज मतलब वो एक मतलब तर्ज को वक्त चाहिए, तर्ज वक्त के अंदर होती है, मतलब तर्ज पैदा नहीं होती वो। अच्छा, मेरी इस पे राय ये है बोलते कि जिस तरह हमारे यहाँ हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना मुताले पाकिस्तान की किताबों में, कि इकबाल जैसे लोग जो हैं वो सदियों के बाद पैदा होते हैं, इकबाल होता है जैसे लोग। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम में से हर कोई, या बीसवीं या बेशतर हमारे हल्का आबाद में ऐसे लोग हैं जो बहुत जीरक हैं, जो बहुत नाबगे हैं, जो बहुत ज़्यादा गहरी ज्ञानक नज़र रखते हैं, और दाखिल को भी देखते हैं और खारिज को भी देखते हैं। लेकिन ये है कि समाज ने जिस तरह कहतु रिजाल पैदा किया है, इसी कहतु रिजाल का एक हिस्सा ये भी है कि आज बहुत तुसो खूबसूरत, मौजूद है, लेकिन उसको पनपने का, उसको निखरने का एग्जैक्टली मौका या वो वो तर्ज मैसर नहीं आया। बिल्कुल तो बिल्कुल ऑफकोर्स तहजीबी ऑफकोर्स रवायत का इकबाल के उसको हवाले से ही कहूंगा बिल्कुल कि लोग तो वो पैदा हो रहे हैं, दीदावर पैदा हो रहे हैं, कसूर नरगिस का है जो रोती नहीं है ना, मतलब दीदावर तो मुसलसल आबाद में ही पैदा हो ही रहे हैं, मतलब वो अब नरगिस नरगिस का जो रोना है वो बेसिकली तहजीब का रोना है, तहजीब की आंख का रोना है। तो इस और मसले में रोने भी के लिए कसूर नरगिस का अपनाना भी निकलता है जरूरी मतलब। है। अब अगर रोने के लिए अपनाना भी तो जरूरी है ना। तहजीब जब अपनाएगी ही ऑफकोर्स नहीं ऑफकोर्स शायर को, ऑफकोर्स अपने ऑफकोर्स किसी ऑफकोर्स को, तो फिर वो जब रोएगी तक कैसे आप किसी उसके चीज का किसी चीज से रिश्ता ना हो आप उस पर रो कैसे सकते हैं, आप उस आप लिए। कैसे रो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो शुबा नहीं है, इसमें इसमें तहजीब और नरगिस और इन्हीं चीजों का कसूर निकलता है जाहिर। मेरा ख्याल है कि गजलियात के मौजू का उनवान यहाँ पे हम अपने इख्तिताम पे पहुँचाते हैं। हम थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन हमने 1 घंटे के अंदर, हमने उम्मीद करते हैं कि हमने किसी हद तक इसको खूबसूरती के साथ एक मुकम्मल करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि देख लेते हैं। यहाँ पे जी आपके लिए एक सवाल आया है जनाब अख्तर उस्मान साहब और उनकी गजल से मुतल, अबू बकर साहब की राय जरूर है। ये सवाल ये देखिए मैं जानता नहीं, कि मैंने अख्तर साहब का, अख्तर उस्मान साहब का मुताला नहीं किया उनके काम का, तो अगर आप कुछ बात कर सकते हैं या करना आपको बेहतर लगता है तो आप। नहीं मैं अख्तर अख्तर साहब की मैंने गजल इस तरह नहीं पढ़ी कि मैं उसके ऊपर कोई बात कर सकूं, लेकिन मैंने उनकी जो गजल पढ़ी है ऑफ कोर्स अख्तर साहब हमारे मतलब मैं ये बात किसी हद तक कह सकता हूँ समझदारी से कि मतलब मैं जिन गजल गो हजरात से मिला हूँ ऑफ कोर्स उनमें अख्तर साहब बहुत बड़े बड़े सबसे बड़े गजल गो लोगों में शामिल है, अच्छा, तो अगर अगर इसलिए आपने किसी, कोई बंदा है जो जिसने कभी जिंदगी में शायरी मतलब पढ़ी है लेकिन उसने बकायदा गजल का मुताला नहीं किया और वो करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ से वो शुरू करें? देखें ये तो ये है कि जॉन ने जॉन जॉन साहब ने हालांकि वो मतलब जॉन ने भी सिर्फ जॉन ने ये बात नहीं की थी, तो इस पे इत्तफाक पाया गया है कि उर्दू गजल का हर अच्छा शेर मीर का शेर है, तो मतलब मीर से अगर आप गजल की दुनिया खत्म हो जाती है मीर के अंदर ही खत्म हो जाती है, और मीर अगर मतलब हम इस तरह से उसको देखें तो कोई दूसरा नाम मौजूद। क्लासिक क्लासिक गजल की बात में तो ऑफ कोर्स मीर है, मीर तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अभी ट्रॉमा जदीद में देखें के बाद आप, जो जदीद आपने में बताया। आप नासिर काजमी देखें, नासिर काजमी बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा शायर, बल्कि मैं समझता हूँ कि नासिर काजमी हमारी इस पिछली सदी का मीर तक मीर था, और इसमें कतन कोई शुबा नहीं है, मतलब नासिर नासिर साहब मतलब देखें जिस तरह का जैसा मुंह वैसी चुपेट, तो जैसे हम लोग थे हमारा मीर भी मतलब जाहिर है उसी मतलब लेकिन नासिर बहुत खूबसूरत बहुत जबरदस्त, लेकिन उसमें अब देखिए दो रुख बन जाते हैं कि नासिर के यहाँ जो क्लासिकियत है जो तगज़ुल वाली शायरी की हमारी रवायत है वो जदीद जिंदगी के अंदर बड़ी खूबसूरती से इंटीग्रेट होके मतलब रवायत और जिद्दत को इंटीग्रेट करके। अब जो दूसरा दूसरा तजुर्बा है जो ब्यास का तजुर्बा है जो मतलब अस्करी साहब ने जब ये कहा कि नासिर काजमी की शक्ल में पाकिस्तान को उसका शायर मिल गया 48 में उन्होंने कहा, तो ब्यास जब सलीम अहमद ने छापी तो उसने
बड़े डायरेक्ट अंदाज में कहा कि यार मैं ये चांद, दरिया और ये दरख्त और चिड़ियाँ, इनके इस्तेमाल को मैं गज़ल नहीं समझता हूँ, ना ही मैं शायरी समझता हूँ ना, और मेरी शायरी जो है वो एक शौरी शौरी औलाद है मेरी। अब वो जो उन्होंने गज़ल में, उनकी गज़ल का तजुर्बा है बयास का, वो एक ऐसा तजुर्बा है कि उसको निभाया जा ही नहीं सका, उसको बिल्कुल नहीं निभाया जा सका। वो एक बिल्कुल ही मुनफरिद तजुर्बा था। मैंने उस किसी जगह पर ये कहने की कोशिश की थी कि अगर इनमें नासिर काज़मी की गज़ल में जनाब मसीह अलैहिस्सलाम सी शफ़क़त और वो नरमी है, और सलीम की गज़ल में दज्जाल जैसी एक जाहो जलाल और चीज़ों को बुनियाद से उखाड़ देने का वो पाया जाता है, वो सूरत हाल मौजूद है। अब वो ज़फ़र इकबाल में आई तो है, लेकिन ज़फ़र इकबाल ने सिर्फ उखाड़ने का काम लिया है। अब देखिए, अब तखरीब आपसे बेहतर कौन समझता है कि तखरीब के अंदर भी एक वो तामीर का पहलू ना हो तो वो उसका मजा पूरा नहीं होता। तो बयास को पढ़ना बड़ा जरूरी है, और बयास के एक्सपीरियंस को, जो वो तजर्बा किया गया बयास की सलीम अहमद की जो शायरी की किताब है बयास, वो एक अजीब व गरीब बासित भाई, मतलब मैं तो उसको न्यूट्रिशन शायरी समझता हूँ, और वो उसमें कोई शुबा ही नहीं है, उसमें कतन कोई शुबा ही नहीं है। वो जरूर कि हम ना अभी इसमें बयास से भले या किसी और से जिसे आप बेहतर समझते हैं, हम कोई गजल पढ़ के और उस पर किसी किस्म का अगर हमारा दिल की हम तबसरा करते हैं ना किया तो हम बगैर बिला तबसरा और बिला उन्वान गजल के किताब को हम हजरत मैं तो देखें मतलब मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि लगामे जो है वो आपके हाथ है, जहाँ आप कहेंगे मैं तो रुक जाऊंगा, कोई मामला ही नहीं। तो मैं ये चाह रहा था कि मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि गजल पे कोई प्रोग्राम हो और उसमें गजल सुनाए बगैर ही हम लोग चले जाएं, ये तो एक अजीबोगरीब किस्म का मामला हो जाएगा। तो मैं आपको कोई, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी याददाश्त पे आजकल खुदा ताला ने भी ना एक जहन्नमी कुत्ते छोड़ दिए हैं, तो मुझे चीजें भूलती हैं, तो मैं देख के ही सुना सकता हूँ। आप इस दौरान अगर कुछ बात डाली देखिए तो मुझे, मैं कनेक्ट रहूंगा, कुछ भी कह दीजिए। ये भी कहा गया है कि भले आप अपनी नज़्म भी सुना दें। जी जी, आप देखो क्या कहने, सुभान अल्लाह जी, फरमाइश आई है मेरे कि मेरे लिए फरमाइश आई। अबकर ये भी एक बड़ा एक अजीब व गरीब सा मोहम्मा है कि बहुत सी चीज़ें ना जो ये आई इंटरनेट की दुनिया में आने के बाद हमारे ऊपर हमने खुद से इम्पोज कर ली है, कि मिसाल के तौर पे अगर आप लाइव चैनल पे आए तो आप 2 मिनट के बीच में खामोशी नहीं इख्तियार कर सकते। नहीं, ये तो मतलब हमें इसी सांचे को बासित भाई तोड़ना है, इसी सांचे को तोड़ना है बिल्कुल। बल्कि मैं तो पिछली दफ़ा जब लाइव आया था तो मैंने मर्फी को भी मौका दिया था कि अगर तुमने कुछ कहना था तुम भी कह लो, लेकिन उसने कहा कि मतलब ये मेरा मैं इन मौजूदात पे मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, ये मैं बयाज की एक अजीबो गरीब बदल जो जिसमें आपको उसका दज्जाली रूप नजर आएगा, अगर गजल का रूप नजर नहीं आएगा, लेकिन ये एंटी गजल नहीं है, अगर इसको एंटी गजल कहा गया है लेकिन ये एंटी गजल नहीं है, क्योंकि जब आप एंटी गजल कहते हैं तो आप बेसिकली गजल दुश्मन हो जाते हैं, आप गजल पे तो ये पाबंदी लगा देते हैं कि उसमें नमू का इम्कान ही नहीं है, वो नमू पाएगी तो वो एंटी गजल बदल देगी, ऐसा नहीं है। तो ये आप जरा देखिएगा कि इस तजर्बे की शिद्दत को कैरी ऑन नहीं किया गया, कि कार्य तख्लीक में डाला है मशीनों ने खलल, रहम मादर की जगह ढाल के रख दी बोतल। कार्य तख्लीक में डाला है मशीनों ने खलल, रहम मादर की जगह ढाल के रख दी बोतल। मर्द दा मर्द है इस दौर के, जन है नाजन, और दुनिया की हर एक शह है इसी का सिंबल। अब देखें, ये महज तोड़फोड़ नहीं है, ये महज लफ्जियात की तोड़फोड़ नहीं है, आप इसे देख रहे हैं कि इसके पीछे एक खास किस्म का इखलाकी बहरान है, एक खास किस्म की बेचैनी है, मतलब एक प्रॉपर मानवीयत की भी तोड़फोड़ है। और ये जो तोड़फोड़ है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, वो जो तहजीबी ऑफ कोर्स साथ में सामने आया एग्जैक्टली उसको बहुत स्ट्रक्चरल अप्रोच में डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और एग्जैक्टली मेरे ख्याल यही चीज हमें इनकी लफाजी में भी यहाँ मिलती है जी, उन्होंने ये बहुत लफ्जियात को भी तोड़ा और मानवियत को भी तोड़ा, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल अब ये देखिएगा, जमा तफरीक में गोताक है जुफ्ती की मशीन, जमा तफरीक में गोताक है जमा जुफ्ती तफरीक की में मशीन, कीजिए क्या के गलत आता है फिर भी टोटल। अब जुफ्ती की मशीन और फिर भी टोटल, जोर वो और है पाता है बदन जिससे नबू, लाख कूदे कोई टांगों में दबा कर मोसल, और परवरिश कर नहीं सकती कभी घुंचे की नसीम, दो घड़ी भी नहीं कभी दो घड़ी भी कभी टिकती नहीं घर में शफतल, और बाल सुंबल के परेशान हुए बिन कंघी, आंखें नरगिस की भी बेनूर हुई बिन काजल। अब ये वही नरगिस है जो हमारी तहजीबी नरगिस है जो हजारों साल रोती रही जी जी, तौबा करती है फिर नाचने पे आ जाती है। अच्छा नरगिस, मैं समझता हूँ कि ये हमारी नरगिस भी उस नरगिस जिस तरह इकबाल की नरगिस हमारी तहजीब की सितारा है, ये जो वाकईतन वाली नरगिस है ये उस नरगिस का एक मतलब सिंबल का सिंबल है आगे। बिल्कुल ऐसे, और बाल इदराक के बढ़ जाएं तो हजाम का काल, कपड़े एहसास के फट जाएं तो सोजन में खलल। तो ये रवायती गजल नहीं है, मतलब अगर आप मतलब नासिर की गजल या वो वाली नहीं, लेकिन ये एक जदीद तजुर्बा है गजल का, तो आपको इसको कैरी ऑन करना होगा। अब इसको कैरी ऑन करने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि वो छावड़ी लगाता हूँ या वो लगाता हूँ जो उन्होंने अपने जो हमारे उकाड़ा के अलावा इकबाल उन्होंने किया, मतलब वो इस एहसास को इस इखलाकी बुरहान के शऊर को साथ लेके गजल चल सकती है, लेकिन मसला ये है कि उसमें आपको एक एक वाकईतन गजल को चाहिए, पूरा मर्द चाहिए, पूरा मर्द चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि यही बात इसमें भी हमें नजर आ रही है ना कि मर्द ना मर्द है और औरत जो है वो जी जी वो नाजन हो गई है, नाजन हो गई है बिल्कुल, ये उसका और ये इसी तरह आके अब जंगल में ये एकदा खुला भेड़िए पढ़ते नहीं है फलसफा। अब ये देखिए ये आके अब जंगल में ये एकदा खुला भेड़िए पढ़ते नहीं है फलसफा, रीछनी को शायरी से क्या गरज, तंग है तहजीब ही का काफिया। तो ये जो हमारी तहजीब का काफिया तंग हो गया ना, तो अब काफिया काफिया रब्त है उसका गजल का, और शायर उस रब्त का नुमाइंदा है। तो अगर काफिया तंग हुआ है ना, तो इससे मुराद ये है कि शायर का दामन तंग हो गया है, क्योंकि ये अब मुदारी बात वही है कि गजल नहीं मरी और ना ही गजल के इम्कानात मरे, मर्द आना बंद हो गए, इसलिए औरतों की बातें या तो बिल्कुल बंद हो गई हैं या फिर चंद बाजारी और चंद वो जो स्टीरियोटिपिकल थी ना, पैरों अच्छी लगती हो वगैरह तक, वो वही वही रह गई है, मतलब वो चल रहा है और वो मतलब ऐसे ही चलता रह गया, खुदा तला चलाता रहे उसे। चले इसी दुआ या उम्मीद के साथ जो भी कहिए, तहजीब बरकरार रहे, इजाजत छाटते हैं अपने नाज़रीन से, बासित भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अगला सेशन करेंगे फिर इलाहात पे बात करेंगे और दीगर चीजों पर बात होगी, सुभान अल्लाह सुभान तो हम ये क्योंकि हमारा तजुर्बाती भी था, तो आई गेस ये बड़ा अच्छा रहेगा, इससे कुछ हमारे भी वो मतलब कम अज कम मतलब कह दिया, आप देखते हैं आप आगे भी चलनी पड़ेगी, भी सीखने का और समझने का मौका मिल रहा है, और काफी ज्यादा यहाँ पे कमेंट्स भी आए हुए हैं, इनको भी हम पढ़ते हैं देखते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और हर एक से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सीखने के अमल में हमारी एक इतनी सी गुंजाइश या हमारे लिए इतनी सी एक हमारी जरूर समझी जाए कि हमें भी कबूल किया जाए, हमें भी उस रब का हिस्सा समझा जाए। तो वसलाम।